दर्शकों, मैं हूं आपके साथ स्नेहा कुमारी और आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। हमारे चैनल को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारी चैनल की खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ मुख्य और अहम खबरों से। कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने शनिवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात की। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने बजट में जल जीवन मिशन शहरी को लॉन्च किया है। इसका सबसे ज्यादा फायदा यूपी को मिलेगा। यहां कुल 707 निकाय हैं, इनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद, 490 नगर पंचायतें शामिल हैं। इसी तरह हेल्थ सेक्टर में पिछली बार के मुकाबले इस बार के बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर 135% ज़्यादा बजट ऐलान किया गया है। इसमें भी यूपी का फायदा है। यूपी के 75 जिलों में इंटीग्रेटेड लैब की स्थापना होगी। कोरोना वैक्सीन के लिए बजट में 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। वैक्सीनेशन भी सबसे ज़्यादा यूपी में होना है। उन्होंने बताया कि यूपी को MSP का भी लाभ मिलेगा। गेहूँ और धान की खरीदी सबसे अधिक यूपी में होती है। केंद्रीय करों में भी यूपी की करीब 63,000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी कम हुई है। 2020-21 में केंद्रीय करों में यूपी के लिए 1,40,000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी तय की गई थी, लेकिन संशोधित बजट में हिस्सेदारी 98,618 करोड़ रुपए तय की गई है। रेल बजट को लेकर उन्होंने बताया कि यूपी को 2 नई ट्रेनें भी मिली हैं। लखनऊ से जयपुर के बीच सप्ताह में 3 दिन का संचालन होगा। यह ट्रेन लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन से जयपुर के बीच चलेगी। इसका संचालन 5 फरवरी से शुरू हो गया है। इसके साथ ही सप्ताह में एक बार उदयपुर शहर के लिए लखनऊ से कामाख्या के बीच संचालित होने वाली ट्रेन 8 फरवरी से शुरू हो गई है। बताया कि यूपी में रेलवे 8,590 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इससे स्टेशनों और लाइनों का कायाकल्प होगा। बजट में पूर्वोत्तर रेलवे के लिए 4,467 करोड़ रुपए और उत्तर रेलवे के लिए 4,123 करोड़ रुपए शामिल हैं। इस धनराशि से यूपी के 9 रेल मंडलों में सुधार का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने बताया कि अयोध्या में 100 करोड़ से अधिक की धनराशि से नया रेलवे स्टेशन बनेगा, जिसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रामकेश निषाद, आयुक्त दिनेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी हरिश्चंद्र वर्मा, अर्थ एवं संख्या अधिकारी संजीव सिंह बघेल, अपर जिला सूचना अधिकारी शारदा आदि मौजूद रहे। ये थी पूरन राय की रिपोर्ट। मंत्री जी, आप एक एकड़ के देखिए, केंद्रीय बजट जो जारी किया गया है, केंद्रीय बजट के बारे में प्रेस वार्ता का आज आप लोगों के मध्य में प्रेस वार्ता के माध्यम से बजट की चर्चा करने का था, वो बजट पर विस्तारित चर्चा था। मंत्री जी, इस बजट पर बुंदेलखंड को क्या सौगात दी गई? बुंदेलखंड को नहीं, पूरे भारतवर्ष को। भारतवर्ष बुंदेलखंड भी भारतवर्ष में है। बुंदेलखंड को क्या मिला? चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का सेक्टर हो, चाहे बिजली का सेक्टर हो, चाहे सिंचाई का सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर हो, सभी को पूरे भारतवर्ष में समान रूप से विभाजित करके बजट देने का काम किया गया है। और वो उस बजट के आधार पर सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्व।